व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अब तक पब्लिक अकाउंट कमिटी, एस्टिमेट कमिटी, ये दो कमिटी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से तीसरी कमिटी भी काफी इंपॉर्टेंट कमिटी है, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन कमिटी से। ओके, यहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये आज का हमारा टॉपिक है। आप लोगों ने नॉर्मली नाम भी सुना होगा, इसको बोलते हैं पीएसयू। पीएसयू कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो पीएसयू के अगर आप लोग फुल फॉर्म भी देखेंगे, पीएसयू का अगर आप लोग पूरा नाम जानेंगे, तो आप लोगों को कुछ ऐसा ही जानने को मिलेगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगर हिंदी में बोलूं इसको तो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहां पर क्या क्या यहां पर दुनियादारी इस वाले एरिया में चलती है, पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर की बात यहां पर की जा रही है, तो उसमें क्या क्या दुनियादारी चलती है। वैसे इस वाले एरिया को किसी हद तक पीएसी भी कंट्रोल करती है, पर लेकिन कहां पर क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग यहां पर जानेंगे। पूरा डिटेल में लेक्चर डिस्कस करूंगा, कौन कौन यहां पर मेंबर होता है, किस किस एरिया से मेंबर आते हैं, लोकसभा या राज्यसभा से, दोनों से होते हैं या फिर लोकसभा से होते हैं, चेयरमैन कहां से होता है, लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, गवर्नमेंट का होता है या फिर अपोजिशन का होता है, टोटल कितने साल के लिए होता है, किस तरीके से यहां पर इलेक्शन किया जाता है, सब कुछ डिटेल में हम लोग इस कमेटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हां, पास्ट में जो दो कमेटी मैंने कराई है आप लोगों को, पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी, उनके साथ में भी कंपेयर करके चलता रहूंगा, ताकि आप लोगों की वो भी रिवाइज होती रहे और साथ साथ में आप इन सब के बीच में एक लिंक भी जनरेट करते चले जाएं। तो इस तरीके से हमारा लेक्चर रहने वाला है, तो काफी शानदार लेक्चर होने वाला है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको पीएसयू के बारे में भी नहीं पता हुआ है। पहले पीएसयू बता देता हूं आप लोगों को, जिनको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए, मान लीजिए आप लोगों को देखने को मिलता है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ये काम गवर्नमेंट कर रही है और ये काम प्राइवेट कर रहे हैं। जहां पर हम लोग गवर्नमेंट का नाम लेते हैं, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है गवर्नमेंट जो करती है ये काम, ये पीएसयू के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। जैसे बीएसएनएल आप लोग देख सकते हैं, ओएनजीसी आप लोग देख सकते हैं, तो ये कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा टेकन, मतलब मैक्सिमम शेयर यहां पर आप लोगों को गवर्नमेंट के देखने को मिलते हैं। जब प्राइवेट की बात आती है, दिल्ली मेट्रो का आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली मेट्रो में जो एयरपोर्ट लिंक था वो पहले रिलायंस के द्वारा मेंटेन किया जा रहा था, पर लेकिन जब उनको दिखने लगा कि उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है वहां पर, तो वो उसको छोड़कर चले गए रिलायंस वाले। और फिर अब किसके हाथ में है वो, अब वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा खुद वो जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मेंटेन किया जा रहा है। तो आप लोगों को प्राइवेट जो सेक्टर है हमेशा आप लोगों को वहां पर देखेगा जहां उसका प्रॉफिट है, जहां भी उसका प्रॉफिट खत्म हो जाता है, जहां भी उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर वहां से दुम दबा के निकल लेता है, वो उसमें कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। अगर उसको दिख रहा है प्रॉफिट अब यहां पर कम होता जा रहा है, वो तभी उसको सेक्टर को छोड़कर चला जाएगा। उदाहरण आप लोगों के सामने है, जो रेलवे की, जो मेट्रो की एयरपोर्ट वाली लाइन है, उसके बारे में आप लोगों ने काफी न्यूज में सुना होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप लोगों के सामने मिल जाएंगे। तो जो पीएसयू होते हैं वो जनता के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट उनके लिए सेकेंडरी पार्ट है। ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है उनके लिए पार्ट, प्रॉफिट सेकेंडरी पार्ट है, पर पहले जनता के लिए पार्ट है। रेलवे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी लाइन्स है जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसी तरीके से आप लोग एयर इंडिया के बारे में जानते हैं, कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है पर फिर भी चला रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जनता के फायदे के लिए चलाई जाती है, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा जाता। तो इस तरीके से आप लोगों ने कई बार नॉर्मली उदाहरण भी सुने होंगे। जापान में मैं एक बार पढ़ रहा था, एक ऐसा एरिया था जहां पर ओनली एक लड़की उस ट्रेन में जाया करती थी और वो लड़की स्कूल में जाया करती थी उस ट्रेन से, तो ओनली सिंगल लड़की के लिए वहां पर ट्रेन जाया करती थी। तो देखिए, इसको कहते हैं सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड गवर्नमेंट से, जब भी गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, वो कभी भी उसमें प्रॉफिट के ओरिएंटेशन से काम नहीं करती है। वो देखते हैं कि क्या जनता को सर्विस यहां पर अच्छी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, पर प्राइवेट का उल्टा चक्कर है, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे हम लोग यहां पर इस तरीके से, पब्लिक जो यूनिट होती है पब्लिक अंडरटेकिंग, तो इस पर फोकस हमारा रहने वाला है, ठीक है। तो जो कमिटी जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्रिएट की गई थी ये 1964 में क्रिएट की गई थी। चाइना वार आप लोगों को पता है 1962 में हुई थी, उसके थोड़ा बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1964 में ये कमिटी आ गई, स्टार्टिंग में नहीं थी। जिस तरीके से आप लोगों को स्टार्टिंग से ही, आजादी से पहले आप लोगों को दोनों जो पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी थी वो पहले ही आप लोगों को देखने को मिली थी, पर लेकिन ये 1964 में फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था। रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी गई थी, कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। एस्टिमेट कमेटी की आप लोग बताओ, अभी मैंने लेक्चर लिया था एस्टिमेट कमेटी के बारे में, उसके बारे में आप लोग बताओ किसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी नीचे कमेंट बॉक्स में, ओके। अब बात करते हैं मेंबर की, मेंबर देखिए दोनों के साथ में कंपेयर करके चलूंगा तो आप लोग ढंग से इसको समझ पाएंगे। स्टार्टिंग में ओरिजिनली हम देखेंगे यहां पर मेंबर हुआ करते थे 15, ठीक है। तो 15 मेंबर में से 10 तो लोकसभा के हुआ करते थे और 5 राज्यसभा के हुआ करते थे, पर लेकिन बाद में जो मेंबर हो गए यहां पर हो गए 22। अब 15 तो लोकसभा के हैं और 7 हो गए राज्यसभा के।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी की। पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ में आप थोड़ा इसको कंपेयर कर सकते हैं जब मेंबर की बात आती है। वहां पर भी आप लोगों को 22 मेंबर नजर आते हैं, 15 आप लोगों को लोकसभा से नजर आते हैं और 7 राज्यसभा से नजर आते हैं। पर लेकिन जब बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी की तो वहां पर आप लोगों को 30 मेंबर नजर आते हैं। पर लेकिन 30 के 30 जो मेंबर है वो कहां से थे? 30 के 30 मेंबर लोकसभा से थे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हालांकि ओरिजिनली 25 हुआ करते थे एस्टिमेट कमेटी में, पर बाद में बढ़ा दिए गए थे। वो सारे डिटेल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के मेंबर भी यहाँ पर कंपेयर करने के लिए आ जाए, स्टेटमेंट आप लोगों को बना के दे दें यहाँ पर इस तरीके से कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर इतने होते हैं, उसके सामने आप लोग एस्टिमेट कमेटी के मेंबर लिख दे, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा आप लोगों के सामने लिख दे, मान लीजिए वो पब्लिक अकाउंट कमेटी, यहाँ पर लिख दे कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, और इसमें लिख दे आप लोगों के सामने एस्टिमेट कमेटी के 30 मेंबर, और बोले कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है, माइंड में क्लैरिटी रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगी, रटना नहीं है, फिर से वही बात बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहां पर आगे चल के आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में 1974 में ये मेंबर बढ़ाए गए थे, ठीक है। फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा 1974 में कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी उस टाइम पर, और ज्यादा से ज्यादा फोकस देने को यहां पर टाइम भी आ गया था कि हाँ जो पब्लिक यूनिट है उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बैंक थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, कोल फील्ड वगैरह जो थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया था, तो काफी चीजें यहां पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी। अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ज्यादा चीजें आ गई हैं तो गवर्नमेंट को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपना सोचने का और काम को करने का नजरिया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कई तरीके आप लोगों को नए चेंजेस यहां पर कमिटीज के अंदर भी टाइम टू टाइम देखने को मिलते रहते हैं, ओके। तो मेंबर भी यहां से 15 से 22 कर दिए गए, और यहां पर आप लोगों को 5 मेंबर इसके बढ़ते हुए नजर आए और 2 मेंबर इसके बढ़ते हुए नजर आए, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी डायरेक्ट उसी प्रोपोर्शन में आप लोगों को बढ़ते हुए यहां पर नजर आए। अगर नेक्स्ट बात की जाती है यहां पर इलेक्टेड जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो हर ईयर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीनों कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, क्या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तीनों आप कमेटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक एक साल के लिए होती हैं, ठीक है। तीनों कमेटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन होते हैं, मेंबर को इलेक्ट करने किया जाता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाता है, जिस तरीके से राज्यसभा के हमारे यहां पर इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, बिल्कुल सेम मैनर में यहां पर इलेक्शन होते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। यह मैं ऑलरेडी डिटेल में आप लोगों को दो बार बता चुका हूं, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बिल्कुल कॉमन है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऑल पार्टी गेट यहां पर रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये भी तीनों में आप लोगों के सामने कॉमन है। एक साल के लिए टर्म पीरियड होता है, ये भी तीनों में कॉमन है। मिनिस्टर कैन नॉट बी द मेंबर, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है कमेटी का, ये भी तीनों में कॉमन है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, ये भी तीनों में कॉमन है। ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना डिफेंस मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, ना रेलवे मिनिस्टर, ना कोई और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कोई भी यहां पर आप लोगों को मेंबर नहीं नजर आएगा, ठीक है। चेयरमैन जो होता है कमेटी का वो अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, तीनों कमेटी के चेयरमैन स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। पर लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन का होता है, और जो एस्टिमेट कमेटी हम लोगों ने डिस्कस करी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन सा, वो आप लोगों को गवर्नमेंट का मेंबर यहां पर नजर आएगा। पर जब बात की जाती है यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये लोकसभा में से चुना जाता है, और किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है यहां पर स्पीकर के द्वारा। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है, जो यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होगा। मतलब मेंबर तो राज्यसभा में से आएंगे साथ, पर लेकिन चेयरमैन राज्यसभा का नहीं होगा, चेयरमैन ओनली लोकसभा का होगा। अब यहाँ पर यह नहीं है कि वो गवर्नमेंट होगा या अपोजिशन होगा, कोई भी यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर दे रखा है कि वो गवर्नमेंट का होगा। जो मेंबर यहाँ पर चुने जाएंगे 15 मेंबर इनमें से होगा, अब वो कोई भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, थोड़े थोड़े से चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वैसे इतना बड़ा चेंज नहीं है, पर थोड़े से जो चेंज रहते हैं उन्हीं पे क्वेश्चन निकल के आता है। क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन सेट किया जाता है हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का रिपीटेशन ना हो जाए, तो वो भी थोड़ी छोटी चीजों में बाल की खाल उखालते रहते हैं। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को, अगर आप लोग स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ पाएंगे कि हाँ ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 5 वो 7 राज्यसभा से होते हैं, तो बोलेगा क्या कि जो चेयरमैन होता है वो यहाँ पर राज्यसभा से भी अपॉइंट किया जा सकता है, स्टेटमेंट सही है गलत, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। वहां पर अपॉइंट कौन करता है, बोल देगा यहाँ पर चेयरमैन करता है राज्यसभा का, क्या सही है गलत, हाँ बिल्कुल गलत है। तो इसी से आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे डायरेक्ट। तो थोड़ा सा आप लोग आंखें और कान खुले रखेंगे तो अपने ये क्वेश्चन आप लोग निकाल के ले जाएंगे। और देखिए जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस यहाँ पर होता है।
कुछ बंदे ऐसे होंगे जो लेक्चर को सुन लेंगे, हाँ हमने बस लेक्चर सुन लिया, सुनने के नाम पे सुन लेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो उसको समझेंगे भी कि हाँ क्या बोला जा रहा है, और पुराने जो लेक्चर है उनमें कंपेयर करके आप लोगों को समझ भी पाएंगे कि हाँ ये ऐसे चल रही है चीजें। ऐसा नहीं होगा कि बस हाँ सुन के कर दिया, हाँ ड्यूटी पूरी कर दी, हाँ लेक्चर देख लिया सुन लिया हम लोगों ने, बस आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूटी पूरी नहीं करनी है, चीजों को समझना है, ठीक है। इतने डिटेल में आप लोग कहीं कोचिंग में चले जाएंगे, जाकर 10-15 हजार रुपए देंगे तब भी आप लोगों को कोई डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला है। जब मैं जिस टाइम पर मैं पढ़ा करता था, ये कमेटी मुझे बोल दिया गया था जाकर खुद पढ़ लेना, किताब में है सारी जाकर पढ़ लेना, किताब में तो सब कुछ है, सब कुछ पढ़ लेता हूं मैं जाकर। तो वही चीजें मुझे लगता है कि यार जो चीजें मुझे नहीं कराई गई थी वो चीजें कम से कम अगर मैं किसी को करा सकता हूं, और जरा सा मैं किसी की पढ़ाई में 1% भी अगर फायदा कर सकता हूं, तो उसी बस वही चीजें जो मुझे मोटिवेट करती है ये सारी चीजें करने के लिए। तो कोशिश क्या कीजिए, खुद से किया कीजिए चीजें, और अगर समझ में नहीं आती है फिर से लेक्चर सुनिए, लेक्चर सुनने के बाद में किसी को पढ़ाइए। तो चीजें जब पढ़ाते हैं ना आप लोग, तो आप लोगों के माइंड में और ज्यादा फिक्स हो जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं लोगों को पढ़ाइए, क्योंकि जब पढ़ाएंगे ना आप लोग, पढ़ाने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ेंगे आप लोग तो फिर आप लोगों को और चीजें वो ढंग से पढ़ेंगे, और आप लोगों के लंबे समय तक याद रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आप लोग वो चीजें खुद के लिए अच्छे से तैयार करके चले जाएंगे अगर किसी को पढ़ा देंगे तो। और अगर वो नहीं करना है तो फिर आप लोग चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि दूसरों को तो फायदा हो ही जाए कम से कम। अब थोड़ा फोकस डालते हैं यहाँ पर फंक्शंस पर, कि क्या क्या यहाँ पर फंक्शन है। तो फंक्शन आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है, पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए ही सारे देखने को मिलेंगे, और किसी एरिया पे ज्यादा फोकस यहाँ पर नहीं रहेगा। मैक्सिमम फोकस आप लोग यहाँ पर पब्लिक अंडरटेकिंग पर ही देखने को मिलेगा। एग्जामाइन करती है जो भी रिपोर्ट रहती है यहाँ पर, या काउंट रहते हैं पब्लिक, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनके एग्जामाइन करती है यहाँ पर, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पब्लिक अकाउंट आप पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड रिपोर्ट रहती है, पीएसयू से जो रिलेटेड रिपोर्ट रहती है वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा पिक्चर में। ये यहाँ पर ये कमिटी भी पिक्चर में आ जाती है। अफेयर्स होते हैं जो भी यहाँ पर पब्लिक जो अंडरटेकिंग्स हैं उनके किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ों को, बिजनेस जो है यहाँ पर प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रूडेंट बिजनेस चल रहा है कि कमर्शियल प्रैक्टिस ढंग से हो रही है कि या फिर उल्टा सीधी हरकतें चल रही है, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को देखती हुई नजर आएगी। नॉर्मली ऐसे फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी को भी दिए जाते हैं, पर लेकिन टाइम टू टाइम एस्टीमेट कमेटी को भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके रिलेशन में चक्कर आप लोगों के सामने नजर आ जाता है। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का यह है, स्पीकर टाइम टू टाइम ये डिसाइड कर सकता है कि इसको ये फंक्शन दे सकते हैं या किसको फंक्शन कौन कौन से दे सकते हैं, क्योंकि कई बार एक कमेटी में बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है तो ये फंक्शन थोड़े इधर उधर कर दिए जाते हैं, ये स्पीकर टाइम टू टाइम डिसाइड करता रहता है। तो ये कुछ बातें हैं आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। अब आप लोगों के माइंड में थोड़ी और क्लैरिटी यहाँ पर आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ये भी बताया गया कि कौन से ये एग्जामाइन नहीं करती है। ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा पब्लिक अंडरटेकिंग पे इसका थोड़ा फोकस रहता है, पर लेकिन मेजर गवर्नमेंट जो पॉलिसीज होती है, अगर पर्टिकुलर किसी अलग से कोई पब्लिक अंडरटेकिंग बनाया गया है यहाँ पर इसके लिए फोकस दिया जाएगा, तो कोई अलग से अगर कोई फोकस दिया जाता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे, तो वहां पर ये पिक्चर में नहीं आता है, जो गवर्नमेंट की मेजर पॉलिसी हो जाती है। डे बाय डे का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वहां पर आप लोग ये पिक्चर में आता नहीं आ जाएगा कि हाँ जगह जगह आकर टांग अड़ा के खड़े हो गए कि भैया हाँ हम भी है हमको भी ध्यान रखना, तो ऐसा कुछ नहीं होना है यहाँ पर। इसी तरीके से आप लोगों को स्पेशल कोई स्टेटस दिया गया है किसी को और उसके अंडर यहाँ पर काम चल रहा है किसी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग का, पब्लिक अंडरटेकिंग का, तो वहां पर भी ये पिक्चर में नहीं आएंगे। तो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि जर्नलिस्टिक फॉर्म का ये काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर होता है ना, जैसे आप लोगों को देखने को मिलता है आईएएस ऑफिसर को कहीं पर भी लगा देते हैं, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, कभी स्पोर्ट मिनिस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली कई तरीके के ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड में, तो आप लोग कई जगह उनको देख सकते हैं। इसी तरीके से जर्नलिस्टिक फॉर्म का है, पर लेकिन स्पेशल पर्पज के लिए यहां पर अगर कोई पिक्चर में आती है चीजें वहां पर इसकी कोई पावर नहीं चलती है, तो वहां पर इसको साइड में कर दिया जाता है। तो ये हो गई आप लोग यहाँ पर ये वाली कमेटी। तो तीनों कमेटी थोड़ा आप लोग ध्यान से रखेंगे, तीनों को थोड़ा समझेंगे और तीनों को थोड़ा कंपेयर करके चलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, किस किसका चेयरमैन कहां से निकल कर आता है, किसका टाइम पीरियड कितना होता है, कहां से कौन कौन से मेंबर निकल के आते हैं, ये सारी बातें आप लोग थोड़ा सा माइंड में फिक्स करेंगे तो आप लोग इनको समझ पाएंगे, और इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भी इसी से आप लोगों के सारे निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग है कहीं से वो नए क्वेश्चन कहीं और से निकाल के ला रहे हैं, यहीं से ही क्वेश्चन सब निकलते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग पढ़ने का नजरिया चेंज कीजिए और फिर देखिए आप खुद ही क्वेश्चन फॉर्म करने लगेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए, अगर पसंद आती है तो, नहीं पसंद आती तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है कोई भी ऐसी चीजें जो पसंद नहीं आती है। आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और पॉलिथीन वगैरह को कम से कम यूज कीजिए, और अपनी सोसाइटी को और अपने एरिया को क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो के लिए और रोज भी कई सारी चीजों के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।